हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी मैं आपके साथ स्वीट कॉर्न की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे उबालना है, तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में इसे डाल दिया है और अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी हमें इतना डालना है कि ये स्वीट कॉर्न जो है पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाए। तो ये देखिए, मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है और अब इसमें हम एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से उबाल लेना है। तो इसे हम ढक देते हैं और इसे अच्छे से उबलने देते हैं और इसे पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, स्वीट कॉर्न बहुत ही अच्छे से उबल चुकी है। तो इतना ही हमें इसे पकाना है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम छान करके इसका सारा पानी अलग कर लेंगे और स्वीट कॉर्न को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें छान लेना है और इसके पानी का यूज़ आप सब्जी वगैरह में कर सकते हैं। और अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम एक छोटी चम्मच बटर या फिर घी डालेंगे या फिर आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़े से करी पत्ती डाल देंगे और फिर इसमें हम ये स्वीट कॉर्न को डाल देंगे जिसे हमने उबाल करके रखा था और इसे हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए ही इसे हम इस तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप चाहो तो इसे बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं। जब इस तरीके से हम इसे फ्राई करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और सभी मसालों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉर्न के साथ। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते लिए हैं, एक छोटा सा टमाटर बारीक काट करके लिया है, एक प्याज को मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लिया है, आधी नींबू लिया है और 2 हरी मिर्चों को बारीक काट करके लिया है। तो सभी चीज़ों को हम इस कॉर्न में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा जितना आपको पसंद है उस हिसाब से इसमें आप इसे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने प्याज डाल दिया, हरे धनिया की पत्ती डाल दी, टमाटर डाल दिया और हरी मिर्चों को भी डाल देंगे। और सभी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस हमें अच्छे से डालना है, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा हमारे कॉर्न चाट में। नींबू का रस डालने से हमारा स्वीट कॉर्न चाट जो है बहुत ही चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसे ज़रूर डालिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने पूरे आधे नींबू का रस इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से मिला लेना है और इसमें आप अपने पसंद के कोई और मसाले डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें शिमला वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बारीक काट करके डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम एक कटोरी में इसे निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसे पेपर वाला जो कप आता है उसमें भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से एक छोटे से कटोरी में निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम इसे सर्व कर लेंगे और ये लीजिए, इस तरीके से तैयार है हमारा स्वीट कॉर्न चाट। बहुत ही टेस्टी चटपटा बन करके तैयार हुआ है हमारा स्वीट कॉर्न चाट। तो इस तरीके से आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक की ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो जाने वाली है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की और भी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किचन किंग स्पेशल डिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।